हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में हमारे पास फ़ोन है आईफोन। ये देखते हैं दोस्तों, आईफोन 5S। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे जो इसमें आई क्लाउड लगा होता है वो कैसे अनलॉक होता है, और जो जैसे आईफोन डिसेबल हो जाता है तो वो कैसे अनलॉक होता है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको YouTube में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी इससे रिलेटेड। तो दोस्तों, ऐसा होता है, आपको काफ़ी वीडियोस में आपको बताया होगा या आपने सर्च किया होगा, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का कोड मिल जाता है आपको, तो जिसको आप कॉलिंग करके, ये देख लीजिए दोस्तों, जिसको आप बार बार कॉलिंग करके इसे, ये देख लीजिए दोस्तों, इस तरीके का आपको कोड मिल जाता है। ये स्टार है, ये दोस्तों, ये देख लीजिए दोस्तों। तो काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा कि ये एक मेथड है जिससे आप आईफोन अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ये कोड एकदम फेक कोड है। और आपको काफ़ी वीडियोस में मैं आपको आईफोन आगे करके दिखा देता हूँ। देखो दोस्तों, काफ़ी वीडियोस में आपने देखा होगा, इसको ओपन करने के बाद इसमें वाईफाई कनेक्ट करते हैं, और वाईफाई कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिख जाता है। ये देख लीजिए दोस्तों, तो ये अभी ट्राई अगेन बोल रहा है। तो देखिए दोस्तों, ये काफ़ी आपको वीडियोस में आपने सर्च किया होगा, तो आई क्लाउड अनलॉक करने के लिए एक मेथड ये बताया होगा आपको। ये देख लीजिए दोस्तों, इसमें करना क्या होता है आपको, ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने लिख के रखा हुआ है। ये देख लीजिए दोस्तों, आपको इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको दिख जाता है। इसमें होता है दोस्तों, इसमें आपको IMEI नंबर डालना होता है, मॉडल नंबर डालना होता है, EMC नंबर डालना पड़ता है, और इसमें मॉडल नंबर डालना पड़ता है। तो दोस्तों, ये न्यूज़ ये मेथड भी एकदम फेक है दोस्तों। इसमें आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको टाइम वेस्ट करना है तो आप ये सब कर सकते हैं। जिसमें आपको यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें लिखा होगा आपको 100% आई क्लाउड अनलॉक। तो दोस्तों, ये सब मेथड एकदम फेक है, क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये आईफोन अनलॉक हो रखा है, तो काफ़ी बार मैंने इसमें ट्राई किया है। तो दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ, अगर आपको आईक्लाउड अनलॉक करवाना है, ये सिर्फ या तो सर्विस सेंटर से होगा या फिर आपको कॉल सेंटर में बात करनी पड़ेगी, एप्पल के कॉल सेंटर में दोस्तों। तो एक और बात दोस्तों, अगर आपका आईफोन डिसेबल्ड हो गया है तो आप डिसेबल्ड तो अनलॉक हो जाता है, ये डिसेबल्ड अनलॉक हो जाता है, ये तो आप कंप्यूटर से खुद ही कर सकते हो आईफोन आईटून कनेक्ट करके। तो मैं वो दूसरी वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको डिसेबल्ड अगर फ़ोन हो गया तो उसे अनलॉक कैसे करते हैं। पर दोस्तों, आई क्लाउड अनलॉक नहीं होता है दोस्तों, ये दो ही मेथड से होता है, या तो आप सर्विस सेंटर जा सकते हैं, वहाँ से हो जाएगा, या फिर आपको कॉल करनी होगी एप्पल के सर्विस सेंटर में। तो दोस्तों, यही था वीडियो, मुझे बस आपको थोड़ा सा बताना था इस बारे में कि YouTube में आप इससे रिलेटेड बहुत सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी। आप अपना टाइम बर्बाद ना करिए, और जो मैंने बताया कि आपको सर्विस सेंटर में आप बात कर सकते हैं या आप इसके कॉल सेंटर में बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही था दोस्तों वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।